मैयर के गुनवारा में विकास न होने के कारण ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण 17 दिसंबर से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अब इन अनशनकारियों को अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। गुनवारा में आयोजित 26 सितंबर 2015 को प्रदेश के पहले अंत्योदय एवं रोजगार मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुनवारा में विकास के लिए सौगात की झड़ी लगा दी थी, जिसमें प्रमुख रूप से गुनवारा स्मार्ट विलेज, उप तहसील गुनवारा, बसौरा कल्द पन्ना मार्ग तथा आईटीआई कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी और आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इन्हें पूरा किया जाएगा। मगर 7 साल बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की गईं, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय जनता को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अनशन को आम आदमी पार्टी की जिला संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने अपना समर्थन दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला जनपद सदस्य राजेश परवाह झल्ला महाराज भी अपना समर्थन देने पहुंचे। सरकार की बाधा के राष्ट्रीय कारण रखे हुए हैं। आज से 7 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी आज तक वो पूरी नहीं हुई। कई बार आवेदन दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अनशन पर बैठना पड़ा। जो उनने घोषणाएं की थी वो मांगे पूरी कर दें। हमारा से बसौरा मार्ग का निर्माण, उप तहसील, आईटीआई और स्मार्ट विलेज। गुनवारा आने का मूल मकसद था कि जो गुनवारा के ग्रामवासी हैं प्लस यहाँ के जो आसपास के समाज सेवी हैं और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के हों या जनपद सदस्य हों, सरपंच हो, उप सरपंच हो या समाज सेवी हों, सब लोग गुनवारा की मांग को लेकर आज एकत्रित हैं, जिसकी मीटिंग आज से करीब 10 दिन पहले यहीं गुनवारा में बिहारी जी लाल जी का मंदिर है वहाँ पर बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं भी शामिल था और इस अनशन में को अनशन में मेरा पूरा सपोर्ट है। और जो एक मूल बात है कि ये अनशन हो क्यों रहा है, इस अनशन का मूल बात ये थी कि उपचुनाव के दौरान जो है गुरुवारा को उप तहसील बनाए जाने का वादा किया था, गुरुवारा में आईटीआई का वादा किया गया था, गुरुवारा से एक सड़क मार्ग है बसौरा सड़क मार्ग है उसको पन्ना बसौरा सड़क मार्ग है उसको बनाने का भी वादा किया गया था, जो कि तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात है 2015 की और बात चल रही है 2022 की। सोच लीजिए कि आज 7 सालों में सरकार द्वारा इन ग्रामवासियों के लिए क्या मदद की गई है और सरकार क्या कहना चाहती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं